नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वीके में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। इसी के साथ रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मामला आगरा के शमसाबाद अंतर्गत भनपुरा चौराहे का है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान शमसाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उप निरीक्षक योगेश कुमार के नेतृत्व में की जा रही कार्रवाई में एक गाड़ी को संदिग्ध लगने पर रोका गया, जिसमें से गुटखे के 7000 पाउच बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कार से इन गुटखों की कालाबाजारी के लिए राजस्थान की तरफ ले जाया जा रहा था। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ में पुलिस उक्त अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है। ये 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों का पूछताछ में ये पता चला है कि ये लोग मोटरसाइकिल्स का चोरी में शामिल रहे। इनको इंगोट खेड़िया में आगरा से इंगोट खेड़िया के आते हुए गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये लोग से कोलारा कला के पीछे में एक गौशाला है, उनके पीछे 2 मोटरसाइकिल्स जो चोरी का बरामद हुई है, तो उससे पूछताछ करने पर उनके ऊपर एक तलाशी में एक तमंचा भी मिला है, 315 बोर और 4 जिंदा कारतूस भी मिला है। जब पूछताछ किया है और बाकी थानों से जब क्रिमिनल हिस्ट्री लिया गया है, तो एक हरि सिंह के ऊपर 7 मुकदमे हैं, इसमें ज़्यादातर चोरी का है, और 12 मुकदमे हैं अलग थानों में, ज़्यादातर फतेहबाद, शमशाबाद, शाहगंज, रकाबगंज इन थानों में। और दूसरा है राजेश, जिनके खिलाफ 6 मुकदमा है। ठीक, तो इनका भी वही है 369 का, 379 का जो चोरी का मुकदमा है। तो बहुत अच्छा कार्रवाई दाऊ की SHO और इनका टीम। 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इन्हीं का निशानदेही पर, और एक देशी तमंचा 315 का बोर का और 4 जिंदा कारतूस इनका। आगरा से दुष्यंत उपाध्याय की रिपोर्ट।